नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एफएम न्यूज। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मैच आज विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। पहला मैच हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्टेडियम में खेला गया और दूसरा मैच मोहाली में। इस सीरीज में दोनों टीमों ने एक एक की बढ़त बना ली है। जवान टीम पर जहां अक्टूबर 2015 के बाद पहली बार सीरीज हारने का खतरा मंडरा रहा है, तो वहीं मेहमान टीम के पास भारतीय जमीन पर पहली द्विपक्षीय सीरीज जीतकर इतिहास रचने का सुनहरा मौका भी है। विराट कोहली की अनुपस्थिति में टीम इंडिया की कमान संभाल रहे रोहित शर्मा ने पिछले मैच में दोहरी शतकीय पारी की बदौलत भारत को 141 रन से जीत दिलाकर मुकाबले में बनाए रखा था और सीरीज में बराबरी दिलाई थी। तो वहीं इस मोड़ पर श्रीलंका की टीम के पास भी अपने घरेलू मैदान पर मिली 0-9 की हार का बदला चुकता करने का मौका है। वनडे सीरीज का पहला मैच श्रीलंका ने धर्मशाला में 7 विकेट से जीता था। दोनों टीमों के लिए भले ही यह मैच करो या मरो का हो, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा पर इस बार दोहरी जिम्मेदारी है। उनकी कप्तानी में टीम पहला मैच हारने से वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बनने का मौका तो गवा ही चुकी है, लेकिन यदि वह निर्णायक मैच हारती है तो वर्ष 2015 के बाद उसे अपने घरेलू सीरीज में भी शिशक्त का घूंट पीना होगा। भारत ने दक्षिण अफ्रीका से आखिरी बार सीरीज हारी थी, लेकिन उसके बाद से वह अपने मैदान पर अपराजय है। इसके अलावा रोहित असफल रहते हैं तो उन्हें अपनी कप्तानी में टीम का सफल नेतृत्व नहीं कर पाने की भी आलोचना झेलनी होगी। साथ ही भारतीय टीम को अपने मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ भी पहले द्विपक्षीय सीरीज गंवाने की शर्मिंदगी झेलनी होगी। दोनों टीमों के बीच कुल 9 द्विपक्षीय सीरीज में भारत ने 8 जीते हैं और एक ड्रॉ रही है। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मैच आज विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। पहला मैच हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्टेडियम में खेला गया और दूसरा मैच मोहाली में। इस सीरीज में दोनों टीमों ने एक एक की बढ़त बना ली है। जवान टीम पर जहां अक्टूबर 2015 के बाद पहली बार सीरीज हारने का खतरा मंडरा रहा है, तो वहीं मेहमान टीम के पास भारतीय जमीन पर पहली द्विपक्षीय सीरीज जीतकर इतिहास रचने का सुनहरा मौका भी है। विराट कोहली की अनुपस्थिति में टीम इंडिया की कमान संभाल रहे रोहित शर्मा ने पिछले मैच में दोहरी शतकीय पारी की बदौलत भारत को 141 रन से जीत दिलाकर मुकाबले में बनाए रखा था और सीरीज में बराबरी दिलाई थी। तो वहीं इस मोड़ पर श्रीलंका की टीम के पास भी अपने घरेलू मैदान पर मिली 0-9 की हार का बदला चुकता करने का मौका है। वनडे सीरीज का पहला मैच श्रीलंका ने धर्मशाला में 7 विकेट से जीता था। दोनों टीमों के लिए भले ही यह मैच करो या मरो का हो, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा पर इस बार दोहरी जिम्मेदारी है। उनकी कप्तानी में टीम पहला मैच हारने से वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बनने का मौका तो गवा ही चुकी है, लेकिन यदि वह निर्णायक मैच हारती है तो वर्ष 2015 के बाद उसे अपने घरेलू सीरीज में भी शिशक्त का घूंट पीना होगा। भारत ने दक्षिण अफ्रीका से आखिरी बार सीरीज हारी थी, लेकिन उसके बाद से वह अपने मैदान पर अपराजय है। इसके अलावा रोहित असफल रहते हैं तो उन्हें अपनी कप्तानी में टीम का सफल नेतृत्व नहीं कर पाने की भी आलोचना झेलनी होगी। साथ ही भारतीय टीम को अपने मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ भी पहले द्विपक्षीय सीरीज गंवाने की शर्मिंदगी झेलनी होगी। दोनों टीमों के बीच कुल 9 द्विपक्षीय सीरीज में भारत ने 8 जीते हैं और एक ड्रॉ रही है। क्रिकेट जगत से जुड़ी हर अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज को सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।